अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के एक जंगल में, और उसकी फुटेज कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग से यहाँ पर पौधे मुतासर हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगी और वो आग पे काबू हुई, इसी तरीके से ये देखने में आया है कि ये जो मरी से जुड़ी हुई खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट है महकमे जंगलात की, यहाँ पर अक्सर व बेशतर ऐसे वाकयात रूनमा होते रहते हैं जब आग एक बड़े हिस्से में लगे पौधों को तबाह बर्बाद कर देती है, या यहाँ पर जो जंगली हयात है वो भी इससे बुरे तरीके से मुतासर होती है। और बड़ी बेदर्दी के साथ मुशाहदे में ये आया है कि ना सिर्फ वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, वो जंगली हयात या तो मर जाती है या उसे यहाँ से कहीं और जाना पड़ता है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही वो मारगला का सिलसिला है जो कि जाके टैक्सले के करीब ख़त्म होता है। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम खैबर पख्तूनख्वा है, गो के मारगला का हिस्सा वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में आता है, मगर ये जो जगह है ये खैबर पख्तूनख्वा में आती है। नाज़रीन, ये पौधे माहौल के लिए, हमारे मुस्तकबल के लिए, दुनिया भर के माहौल के लिए इंतहाई अहम है। ताहम ज़रा सी भी एहतियाती में जब हम देखते हैं कि कोई राह चलता अगर किसी ने कोई सिगरेट फेंक दिया और उससे अगर आग बड़क उठी तो वो आग एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती है। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इन मामलात को देखे, जबकि इसके साथ साथ जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है वो मकामी आबादी के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जंगलात उनका मुस्तकबल हैं, ये जंगलात हैं, ये पौधे हैं, ये दरख्त हैं, ये हरियाली है, तो हमारे लिए माहौल भी अच्छा है। वरना जिस तरह हालिया सर्दियों के अंदर पूरे मुल्क में जो धुंध का फॉग का जो राज रहा है वो भी इसी माहौलियाती आलूदगी का सबब है। अगर इस माहौलियाती आलूदगी के ऊपर हमने काबू ना पाया तो ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा ख़तरा लाहक हो सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के इशू के ऊपर एक पेज के ऊपर है। ज़रूरत इस अमर की है कि अदारों के साथ साथ जो मकामी आबादी है उनके अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, और बिलखसूस जो टूरिस्ट आते हैं उनके अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि राह चलते हुए अगर उनकी जानब से कोई भी सिगरेट फेंका जाता है तो वो सिगरेट बड़ी तेज़ी के साथ एक छोटी सी चिंगारी भी एक जंगल को जलाने के लिए काफ़ी होती है। सिर्फ एक जंगल नहीं होता है, उसके अंदर जंगली हयात भी होती है, उसमें हमारा मुस्तकबिल भी है। एक चिंगारी जो है वो बहुत सी चीज़ों को तबाह कर देती है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम सबको इस मामले के ऊपर एक पेज पर आना होगा और अपने माहौल को बचाना होगा। अगर रिपोर्ट आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।